नमस्कार दोस्तों, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। YouTube पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। आज एक हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा रहा है, जहां दो शिक्षकों ने वहीं एक अभद्र सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक अभद्र टिप्पणी की है, वहीं जिससे ब्राह्मण समाज पर कहीं ना कहीं आहत हुआ है। वहीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने कोतवाली में जाकर आज पूरे ब्राह्मण समाज के लोग कोतवाली में मौजूद हुए, वहीं प्रार्थना पत्र दिया। वहीं उक्त शिक्षक जिन्होंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ उक्त टिप्पणी की है, उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है लगातार। वहीं इस संदर्भ में हम बता दें, जिला पंचायत सदस्य लीलाधर दुबे से मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष पंडित लीलाधर दुबे कुल्लू महाराज, और जो तालवेट में एक शिक्षक जिनका नाम है कर्ण कुमार और दूसरा शिक्षक जिसका नाम है अनंत कुमार, इन दोनों शिक्षकों ने फेसबुक आईडी के माध्यम से भारत देश के लिए गंदे शब्द लिखे, जो देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। देश के लिए गंदा लिखना, हिंदू धर्म के लिए गंदा लिखना और ब्राह्मण जाति के लिए उसने इतनी शर्मनाक और बात लिखी है, और वह व्यक्ति आदतन इस तरह की घटनाएं करता है जिससे समाज में जातिगत द्वेष, सांप्रदायिक द्वेष भड़के और यहाँ का माहौल खराब हो। आज ब्राह्मण समाज की भावनाएं इतनी आहत हो चुकी हैं कि अगर पुलिस और प्रशासन और कड़ी कार्रवाई नहीं करता है तो निश्चित रूप से ब्राह्मण और हिंदू धर्म के संगठन इतना आक्रोश में व्यक्त कर रहे हैं कि रोड पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और उसके विरुद्ध आवश्यक रूप से कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और अगर FIR नहीं लिखी जाती है तो हमारा संगठन सारे प्रदेश स्तर तक इस बात को ले जाएगा और उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करेगा। हाँ, प्रार्थना पत्र मैंने इंस्पेक्टर तालवेट को दे दिया है, वो विश्व परिषद की तरफ से दिया गया और ब्राह्मण अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की ओर से भी दिया जा रहा है। तो आप कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो व्यक्ति समाज में जातिगत द्वेष, सांप्रदायिक द्वेष और देशद्रोह की बात करने वाला व्यक्ति है, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसके लिए सजा मिले, ये हम लोगों की मांग है। क्या गिरफ्तार हो गया? अभी थाने में बैठा हुआ, अभी कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है, और उन्होंने बताया इंस्पेक्टर महोदय ने कि वो पुलिस अधीक्षक महोदय से बात कर रहे हैं। अभी इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक से बात कर रहे हैं जी? तो आप अगर पुलिस आपके अनुरूप कार्रवाई नहीं करती तो आपका क्या? हम विशाल जन आंदोलन खड़ा करेंगे, विशाल जन आंदोलन जिसमें प्रदेश सरकार भी ऐसी जाएगी, अगर उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की तो पुलिस और प्रशासन के लिए भी मुश्किल कर देंगे। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के ब्राह्मण समाज की भावना यहाँ पूरी तरह से उसने ये शब्द लिखा है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर सबसे घटिया जाति है तो वो ब्राह्मण, ऐसे शब्द उस व्यक्ति ने लिखे हैं जिससे हमारा ब्राह्मण समाज बड़ी बुरी तरह से आहत हुआ है और हम लोगों की भावना को बड़ी ठेस पहुंची है। जय जय जिला पंचायत सदस्य लीलाधर दुबे। हम बताते चले कि जिस तरह से आज जो मर्दन सिंह में जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है, जो ब्राह्मणों के खिलाफ जो शिक्षक ने अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर ब्राह्मण समाज में पूरा आक्रोश है और पूरा ब्राह्मण समाज कोतवाली तालबेट में एकत्रित है, कहीं ना कहीं कार्रवाई का इंतजार कर रहा है पूरा ब्राह्मण समाज कि कहीं ना कहीं इस पर क्या कार्रवाई होती है। वही हम बताते चले कि लीलाधर दुबे व उनके सारे ब्राह्मण साथियों ने साफ कर दिया है, अगर कोई सार्थक कार्रवाई नहीं होती है तो वो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वही तालवेट कोतवाली से राजेंद्र गोस्वामी की एक खास रिपोर्ट। वहीं हम बताते चले कि आगे भी हम खबरों पर अपडेट बनाए रखेंगे, वहीं क्या कार्रवाई होती है इस पर भी हम बताते चले।